वेल, टेलीपोर्टेशन वाकई में एक रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि अब फाइनली गूगल के साइंटिस्टों ने एक क्वांटम कंप्यूटर से दुनिया का सबसे छोटा शॉर्टकट, एक वर्म होल, सक्सेसफुली बना लिया है। और तो और, इस वर्म होल से उन्होंने एक पार्टिकल को सक्सेसफुली टेलीपोर्ट भी कर लिया है। पर जरा एक मिनट, आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे? मतलब देखो, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट हाँ हम सब जानते हैं, आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो लो, बन गया वर्म होल। पर भाई, एक पेपर को मोड़ना और असली स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? और इसीलिए तो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक वर्म होल कई दशकों से विवादों में रहा। पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वर्म होल का तो जन्म ही विवादों से हुआ था। मतलब आइंस्टाइन ने जब वर्म होल की थियरी पब्लिश की थी, तब उन्होंने ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया था। तो देखो, साल 1930s की बात है, जिस दौर में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी काफी प्रचलित थी, और आइंस्टाइन इसी थियरी की वजह से काफी फेमस भी हुए थे। इनफैक्ट दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों को आइंस्टाइन के साथ काम करना था। पर फिर उसी दौरान अचानक से क्वांटम मैकेनिक्स नाम की फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ। और इस नए ब्रांच, इस नए कॉन्सेप्ट का जन्म ही नहीं हुआ था कि उसने शुरुआत से ही आइंस्टाइन के नाक में दम करना शुरू कर दिया। वो अपने लेवल पर यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग फिनोमेनांस के बेहतर एक्सप्लेनेशंस देकर काफी सारी थियरीज पर सवाल उठा रहे थे, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने लाइट को ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज बताई थी। अब क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेनन बेसिकली हमें ये कह रहा था कि अगर दो पार्टिकल्स एक ही समय पर एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं, तो वो चाहे फिर एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, एक पार्टिकल के क्लॉकवाइज घूमने पर दूसरा तुरंत पहचान लेगा कि उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यानी कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेनन सीधा उनकी सबसे सक्सेसफुल थियरी पर अटैक कर रहा था कि इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है। सो डेफिनेटली आइंस्टाइन चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। आखिर उनके जिंदगी भर के काम की जो बात थी, आइंस्टाइन ने बोरिस पेडोल्स्की नाम के एक फिजिसिस्ट से हाथ मिलाया और एक पेपर पब्लिश किया, गिविंग अस अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ईपीआर पैराडॉक्स। इस पेपर में आइंस्टाइन ने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये प्रूफ किया कि अगर हम दो क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को ले और फिर उन्हें एक दूसरे से सफिशिएंट दूरी पर रखें, तो ए को ऑब्जर्व करने पर हम बी की पोजीशन और मोमेंटम दोनों भी एक साथ मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहां पर गेम समझ में आ रहा है। यहां पर आइंस्टाइन ने पलटवार करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बेसिक सिद्धांत हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ही निशाना साधा, जो बोलता है कि हम किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहां पर मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी पर हमला कर रही थी, तो वहीं पर रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स पर हमला करने लग गया। और फिर ये वार पलटवार चालू रहा और अंत में आखिरी डाव आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स पर ही पलट दिया, क्योंकि अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो आइंस्टाइन भी वापस से कहते कि भाई तुमने तो कहा कि इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, तो आप कैसे कह रहे हो कि किसी पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं हो सकती। यानी कि बेसिकली उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स थियरी को ही फंसा दिया एक पैराडॉक्स में, जिसे निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर एक सेकेंड, इसका वर्म होल से क्या संबंध? Well, संबंध है फ्रेंड्स। जैसे ही आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में फंसा दिया, उन्होंने उसे एक फाइनल ब्लो देने के लिए एक और एक कॉन्सेप्ट दे मारा, द फेमस आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, ऑल्सो नोन एज द वर्म होल। अब वर्म होल को दो मिनट के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस की कि अक्सर साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि उनका जो रिसर्च है वो सही है, एंड दे आर ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट इट। और फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ोगे। बिकॉज अगर आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब आप जिंदगी में नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करोगे, ना कि पॉजिटिव चीजों में। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इस बुक से बेहतर ये और कौन सिखा सकता है। ये वन ऑफ दी मेरी पर्सनल बुक है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा है। लेकिन आज आप ये बुक सुन सकते हो कुकु FM ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर भी। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें कई सारे रियल लाइफ सिचुएशंस को एड्रेस किया गया है, और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं, जो आपको बताते हैं इनका एटीट्यूड क्या था और इनके मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या थे। ये बुक आपको एक नहीं बल्कि 17 सक्सेस के प्रिंसिपल्स बताती है, और मेरे लिए मोस्ट रिलेटेड चैप्टर था द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, क्योंकि मैं अक्सर इसमें काफी बार फंस जाता हूँ।
अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बुक्स विच आई रेड। इसने मेरे पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने में तो हेल्प किया ही, लेकिन साथ में मेरा बिहेवियर भी चेंज किया। इसके अलावा कुकू एफएम पर आप कई सारे ऐसे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो जिसने पर्सनली मेरी भी हेल्प की है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस, रिच डैड पुअर डैड एटसेट्रा। आपका इंटरेस्ट जो भी हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, फाइनेंस, बिजनेस, लीडरशिप, करियर, एनीथिंग। इस ऐप पर 2.3 मिलियन प्लस एक्टिव पेज सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी वास्ट लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पर स्लीप टाइमर फीचर है एंड द मोस्ट यूजफुल फीचर नोट्स, जो कि आपको अलाउ करता है हर चैप्टर में अपने नोट्स बनाने को। और आप फ्रेंड्स, इस ईयर सभी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुकू एफएम दे रहा है पहली बार 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट सारे यूजर्स को जो फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। मतलब 49 रुपीज में ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। सो यूज माई कूपन कोड GS50 टू गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे द फेमस आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, ऑल्सो नोन एज वर्म होल। सो बेसिकली आप जिसे अब तक एक सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट मान रहे थे, वो कॉन्सेप्ट असल में बस आइंस्टाइन के ईगो वॉर की पैदाइश थी। उन्होंने बेसिकली नेथन रोजन नाम के एक प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल साथ मिलकर एक वर्म होल भी बना सकते हैं, और ये वर्म होल किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइट से तेज ट्रैवल करने का एक शॉर्टकट उपलब्ध करवा सकता है। यानी सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी, या शायद टूट गई। एक्चुअली बात यह ना, उस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बड़े वकील थे नील्स बोर, उस समय के एक और एक मशहूर साइंटिस्ट, और उन्होंने आइंस्टाइन के पहले पेपर यानी ईपीआर पेपर पर ही सवाल खड़े कर दिए कि उनके सारे के सारे रिजल्ट्स फॉल्स है और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। अब आइंस्टाइन भड़क गए कि यार ये अच्छा है, कुछ अच्छा सा काउंटर लॉजिक ना ला पाओ तो बस एक्सपेरिमेंट को ही गलत बोलकर उसे खारिज कर दो। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं एक ऐसी ग्रैंड यूनिफाइंग थियरी निकालूंगा कि पार्टिकल्स के लेवल पर बात करने वाले क्वांटम फिजिक्स को सीधा बड़ी चीजों की बात करने वाले क्लासिकल फिजिक्स से ही जोड़ दूंगा। सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा और मेरी थियरीज भी सही साबित हो जाएगी। सो अब सवाल आता है कि क्या वो ऐसा कर पाए? वेल नहीं, अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। बिल्कुल नहीं, आइंस्टाइन के मौत के 49 इयर्स बाद एक फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्केंट ने ईपीआर और ईआर दोनों पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा और उनमें पहचाना कि दोनों ही पेपर्स असल में एक ही बात करते हैं, बस उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। देखो, वर्म होल में हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एंड से अंदर डालें तो वो दूसरे एंड से बाहर निकलता है, पर जरा सोचो वो ऑब्जेक्ट असल में है क्या? एक तरीके का डेटा ही तो है, राइट? जो उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स और अन्य ऐसे पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, इसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इनफैक्ट क्वांटम एंटैंगलमेंट भी इसी तरह के डेटा के ट्रांसफर की ही बात करता है। एक पार्टिकल का स्पिन चेंज करो तो दूसरा अपने आप ही अपना स्पिन ऑपोजिट कर लेता है। बस फिर यही बात लियोनार्ड को क्लिक हो गई। उन्होंने कहा, जिस तरीके से एक वर्म होल चीजों को एक जगह से दूसरी जगह एक टनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह क्वांटम एंटैंगल पार्टिकल्स के बीच में भी एक तरह का वर्म होल ही बनता है जो इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है। यानी लियोनार्ड की थियरी के हिसाब से अगर हमने क्वांटम लेवल पर एक पार्टिकल को एंटैंगलमेंट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इससे वर्म होल्स का एक्सिस्टेंस भी प्रूव हो जाएगा और साथ ही हमें लैब में एक आर्टिफिशियल वर्म होल बनाना भी आ जाएगा। बस फिर क्या था, अब साइंटिस्ट एग्जैक्टली इसी काम में लग गए। हार्वर्ड के एक फिजिक्स प्रोफेसर डैनियल्स जेफरीज ने तुरंत एक वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर से वर्म होल कैसे बनाया जा सकता है इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखा। फिर इस प्रोटोकॉल को टेस्ट करने के लिए कैलटेक की एक फिजिक्स प्रोफेसर मारिया शिरोपोलू अपनी टीम के साथ गूगल के पास पहुंची, जहां दुनिया का इकलौता क्वांटम कंप्यूटर साइकमोर एस्टैब्लिश्ड है। ये साइकमोर इतना पावरफुल है कि एक साधारण कंप्यूटर के 10,000 सालों का काम सिर्फ 200 सेकेंड्स में पूरा कर सकता है। यानी इसके हाथ लगते ही अब बारी थी बस वर्म होल को प्रैक्टिकली बनाने की। पर आखिर कैसे? वेल, इस एक्सपेरिमेंट में स्पिरोपुलू ने क्वांटम कंप्यूटर्स की सबसे बेसिक चीज का इस्तेमाल किया था, जो है क्वांटम बिट्स, यानी कि सिंपली क्यूबिट्स। जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि जीरोस और वंस के बिट में इंफॉर्मेशन कन्वे होता है, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे क्वांटम एंटैंगल पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके, जिनका एक टाइप का स्पिन 1 कहलाता है तो ऑपोजिट टाइप का स्पिन 0, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि यहाँ पर अप और डाउन स्पिन सी जीरोस और वंस है, जो क्वांटम एंटैंगल पार्टिकल्स की वजह से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं।
फर्क बस इतना था कि अब स्पिरोपुलू को इन क्वांटम एंटेंगल्ड क्यूबिट्स से सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना था। वेल, उसने साइकमोर के 7 जोड़ी क्यूबिट्स लिए जो अपने पार्टनर्स से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, और फिर एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को उन 7 क्यूबिट्स के पास लाकर उन 7ों का स्पिन एक साथ उल्टा कर दिया। अब कोई गेस करना चाहेगा इससे आगे क्या हुआ होगा? जी हाँ, उन 7 क्यूबिट्स की ये इन्फॉर्मेशन उनके 7 पार्टनर्स तक पहुंची और उन्होंने भी अपना स्पिन ऑपोजिट कर लिया। पर साथ ही एक शॉकिंग चीज ये हुई कि वो रेड वाला क्यूबिट अचानक से गायब होकर उन 7 क्यूबिट्स के पार्टनर क्यूबिट्स के यहाँ प्रकट हो गया। यानी फाइनली स्पिरोपोलू और उनकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वर्म होल बना ही लिया। लेकिन 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 फ्रेंड्स, क्या ये एक्सपेरिमेंट लार्ज स्केल पर हो सकता है? वेल, स्पिरोपोलू ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल उन्होंने बेबी वर्म होल को जन्म दिया है और फ्यूचर में इसे होपफुली लार्ज स्केल पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि कई लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। क्वांटम कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट स्कॉट एरनसन का ये कहना है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में वर्म होल बनाया गया है तो वो नक्की बस उसी तरह का वर्म होल होगा जो हमने शुरू में दिखाया था, पेपर वाला। लेकिन क्या इसका मतलब ये था? अपने जिंदगी की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए उन्होंने जो वर्म होल का कॉन्सेप्ट निकाला था वो वहीं पर खत्म हो गया? वेल, बिल्कुल भी नहीं। पर सिंस अभी ये एक्सपेरिमेंट और इसके स्पेकुलेशंस दोनों ही काफी शुरुआती स्टेजेस में है, आई थिंक हमें एक साइड चुनने से पहले थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए और फिलहाल इसे एक बड़ा वर्म होल बनाने के फेलियर के बजाय इस तरह देखना चाहिए कि इन छोटे वर्म होल से हमें ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझने में मदद मिल रही है। क्योंकि एक बार अगर हम क्वांटम ग्रेविटी को ठीक तरीके से समझ पाए तो फिर आइंस्टाइन जिस ग्रैंड यूनिफाइंग थियरी को अधूरा छोड़ के गए थे तो उस विजन को आज की पीढ़ी पूरा कर सकेगी। बट सवाल यह आता है कि वर्म होल्स बनाकर हम जाएंगे भी कहां? वेल, साइंटिस्टों ने ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है जो ह्यूमन लाइफ के लिए पृथ्वी से भी बेहतर है, और इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सो यूज माय कूपन कोड GS50 टू गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।